started fitness needs no other introduction. The man I look up to, I'm sure you also look up to, Mr. Sunil Shetty, or we call him Anna. You guys. Hi, guys. So, guys, welcome to the brand new episode of TG Talks. आज जिससे मैं आपको मिलाने वाला हूँ, ही इज़ अमेजिंग. मैं इनसे मिलने के लिए आई थिंक ओवर सिक्स मंथ्स मैं सोचा था कि आई हैव टू मीट हिम. क्यों? बिकॉज ही इज़ एट टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर इंडिया. कोई ऐसा मेडल नहीं होगा दिल्ली में जो उन्होंने छोड़ा हो. ही इज़ 6 feet 1 inches, अबाउट 30 years. इनके 3 बेटे हैं, 1 12 साल का, 1 7 साल का और 1 2 महीने का. वो फैमिली है, अच्छी फैमिली, एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी 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 हम्बल बैकग्राउंड. मैं आपको घर भी दिखाऊंगा इनका, जिस फैमिली से आ रहे हैं, कैसे करा, क्या करा इस जर्नी से. बहुत ही इमोशनल स्टोरी है. आई वॉन्ट यू टू पे रियल 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 गुड अटेंशन, बिकॉज व्हेन आई हर्ड इट मुझे लगा कि यार आप सबको जाननी चाहिए स्टोरी. स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड एंड ब्रदर विनय. वेलकम विनय भाई. कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ कंफर्टेबल है? तो विनय ने कभी आज तक इंटरव्यू नहीं करा, तो विनय को मैंने बहुत कंफर्टेबल फील कराना है. हम सब ने बहुत कंफर्टेबल फील कराना है. सो विनय यार, अपनी स्टोरी के बारे में बताओ, जो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुई, क्या मतलब शुरू से शुरू तक. मैं जब स्टार्ट किया था जिम, तो फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था मैंने, आई थिंक मेरी एज उस टाइम पर होगी 13 ईयर्स के आसपास. 13 साल की उम्र. अच्छा, तो मैंने 7वीं 8वीं मतलब सात. हाँ, बस उस टाइम पे एक ही बार मैं फीस पे कर पाया था. तो उसके बाद उस बीच फिर पापा एक्सपायर हो गए थे. फिर मेरे को मेरे सर सुरेश कुमार जी मिले थे, तो वो मेरे को घूमते मिल गए थे एक बार. तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या बात है बच्चे, तो जिम नहीं आ रहा है? तो मैंने बोला सर मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, तो इसलिए नहीं आ रहा था. तो उन्होंने मेरे से बोला कि एक बार आओ जिम पर बैठ के बात करेंगे. तो फिर उनके पास मैं गया, तो उन्होंने बोला फीस की कोई बात नहीं है, आप यहीं एक्सरसाइज करो, पैसों का कोई इशू नहीं है. तो उनके साथ में इस तरीके से जुड़ा था. तो फिर मैं जिम का थोड़ा बहुत काम जैसे होता था, जैसे झाड़ू मारना, डंबल साइड में लगाना, शीशे वगैरह, मशीनें वगैरह साफ करना, हेल्पर मतलब एक तरीके से, हेल्पर टाइप. हाँ, सेवेंथ में थे तो. या हाइट इतनी थी तुम्हारी? हाइट इतना था, 6 feet. हाँ, 42 kg वेट था. 42 kg वेट और 6 feet हाइट. 6 feet हाइट, तो ज़्यादा ही पतले होंगे मेरे यार. हाँ, उस टाइम पर थोड़ी प्रॉब्लम रही है खाने पीने की. जैसे फिर हेल्पर का काम करना शुरू कर. हाँ, मगर उन्होंने मेरे को कभी इस चीज़ का रियलाइज नहीं होने दिया, फील नहीं आने दिया कि भाई मैं वहाँ पर उनके पास काम करता हूँ. तो धीरे धीरे उन्होंने फिर मुझे एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कराया. तो मैंने उनके साथ रह के 2008 में YMCA गोल्ड मेडल मारा था. 2007 में शुरू किया. हाँ, 2008 में गोल्ड मेडल YMCA. कितनी उम्र में? 14. 14 इयर्स की एज में तुम बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीत गए? हाँ. मेरे पे बिलीव नहीं हुआ था, इस चीज़ का विश्वास नहीं था. तो उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. फिर सर ने पूरा फोकस किया. मैं बहुत ही ज़्यादा वीक था, तो मतलब पार्टियों में भी नहीं जाता था मैं, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते थे, पतला है, लंबा है, समझता हूँ इस तरीके से. और कपड़े भी पहने वो अजीब से लगते थे, कि जैसे खेतों में देखा होगा जो ड्रावा जो उड़ाने के लिए उस तरीके से. तो फिर सर के साथ रह के उनके साथ ही बैठना, जहाँ वो जाते उनके साथ जाना. ये आपको लग रहा है सर कौन है? सर इज़ मिस्टर सुरेश कुमार. ये IBBF के ट्रेजरर हैं और इनके मेंटोर, एक फादर फिगर हैं जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया. लाइक अ फादर ही है वो. फादर हैं मेरे को. जैसे मेरे पापा एक्सपायर हुए, तो उन्होंने मेरे को मेरे बाप की कभी कमी महसूस नहीं, उन्होंने हाथ थाम लिया तुम्हारा कि तुम मेरे बेटे हो हर चीज़ में. एक होना बहुत ज़रूरी होता है ना, बिना एक मिल जाए ठीक टाइम पे ना, तो लाइफ ही बदल जाती. तुम्हारी लाइफ बदल गई, राइट? पूरा पूरा चेंज है. तो 14 साल के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा? फिर उसके बाद आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा. कॉम्पिटिशन पे कॉम्पिटिशन पे कॉम्पिटिशन. तो कैसे तैयारी बताओ, तो प्रिपरेशन कैसे करते थे? वही गाइडेंस भी, वही कैसे गाइड? सारी गाइडेंस सर की रहती थी, कितने एग्स लेने, कितना चिकन लेना है, कितना प्रोटीन लेना है. कैसे शुरू, मतलब शुरू कैसे करा? जो तुम्हारी पहले दिन की डाइट थी जब तुम कॉम्पिटिशन जीते, क्या डाइट होती थी उस टाइम पे? डाइट सर के पास ही होती थी,
घर पे इतना कुछ होता नहीं था खाने के लिए। अच्छा, घर पे खाने को भी वो थे? नहीं, बहुत मुश्किल होती थी उस टाइम पे खाने को लेके। तुम्हारे पास जिम के पैसे नहीं थे तो मैं समझ सकता हूँ घर के क्या हालात थे। एग्स वगैरह तो फिर बहुत मुश्किल था, तो फिर मैं सर के साथ ही रहता था, सुबह सर के पास आ जाता था, फिर रात को जाता था घर पे सोने। वही खिला पिला देते थे सर, पूरी अच्छे से डाइट प्रॉपर तरीके से, और हमें उन्होंने गलत चीज़ों से भी दूर रखा है, जैसे स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह, गलत लड़कों के साथ उठना बैठना। और शायद आज इसी का ही फल है ये कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। और बिल्कुल ये बात है, और पढ़ाई लिखाई भी चलती रही साथ साथ? हाँ, उसके साथ ही फिर सर ने मेरे को 10वीं कराई, फिर 12वीं कराई, फिर मेरा मोतीलाल कॉलेज में एडमिशन भी करवाया था उन्होंने। वाओ, तो यार एक आदमी आपकी लाइफ बदल देता है, वो कोई भी हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी लाइफ में भी ऐसे एक आदमी है एंड आई एम नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यू नो वो इंसान जो होता है ना बिने, आपको पता नहीं कोई कर्म होते हैं हमारे, कुछ किस्मत कह लो कुछ कह लो, कैसे आ जाता है और कैसे पलट जाती है लाइफ, कुछ नहीं पता लगता है। राइट, तो फिर 8 times मिस्टर इंडिया जीते। जी सर। 6 feet, तुम्हारी 6 feet कितनी हाइट है? 6'2" हाइट है तुम्हारी। अब मेरे ख्याल से इंडिया के, मैं अगर गलत नहीं हूँ, आई थिंक यू आर द बिग रैमी ऑफ इंडिया मेरी नज़र में। अगर मैं देखूँगा, मैं गाइस फोटोज डाल रहा हूँ, देखना आप विनय को देखना। ही हाँ, तो यहाँ पे वरुण बैठा है, मैंने इंटरव्यू करा था अभी इंस्टा पे भी, इसकी स्टोरी डाली वरुण ने, जिसके स्कॉट्स के बारे में बताया। तो वरिंदर घुमन का भी मैंने इंटरव्यू करा था, तो वरिंदर ऑल्सो सेज कि ही इज़ बिग ह्यूज। लेकिन गाइस मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ, मैं तो ऑब्वियसली आपको विनय की स्टोरी बता रहा हूँ, विनय खुद बता रहे हैं आपको अपनी स्टोरी। बट विनय मुझे अपने चैलेंजेस बताओ एज अ बॉडी बिल्डर, कि देखो तुमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, यू नो अब नेक्स्ट क्या है चैलेंज, व्हाट इज़ इंडियन बॉडी बिल्डर इस मकाम पे आने के बाद, जैसे तुम्हारे पास सारे मेडल हैं मेरे ख्याल से, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या सपना है? मेरा सपना बस अब एक है वैसे, अभी एक कंपटीशन आ रहा है, चैम्पियनशिप डायमंड कप, ये इंटरनेशनल इवेंट है और इसमें 38 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, और उसमें मैं भी बहुत लकी हूँ कि उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। मैं उसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करूँगा और मैं चाहता हूँ उसमें मेरा गोल्ड आए। तो ये कब हो रहा है? ये 12 अक्टूबर को है। सो 12 अक्टूबर को डायमंड कप हो रहा है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, और उसको तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो गाइस वी हैव टू चेयर फॉर विनय। वो कौन सी कैटेगरी? 100 प्लस कैटेगरी ऑफ प्योर मसल, बहुत मुश्किल होता होगा नहीं विनय? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या चैलेंजेस बताओ, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं तुम्हारे को मेंटेन करने के लिए, मसल मास करने के लिए? जैसे कि ऑयली नहीं खाना है, अभी मेरे को करीब करीब ही लगाओ कि 1 साल ही हो गया है मेरे को मीठा खाए हुए, ऑयली खाए हुए, ज़्यादा कार्ब ना लेके कंट्रोल कार्ब लेके चलना पड़ता है। तो तुम्हारी डेली डाइट क्या होती है? लेट्स स्टार्ट, क्या कि 100 kg मॉन्स्टर की डाइट क्या होती है, मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरी डेली डाइट, सुबह उठते कितने बजे? सुबह मैं उठ जाता हूँ 5 बजे। अच्छा, 5 बजे उठते के साथ ही मैं प्रोटीन ड्रिंक लेता हूँ, प्रोटीन ड्रिंक लेने के बाद मैं जिम जाता हूँ। प्रोटीन कौन सा प्रेफर करते हो? प्रोटीन मैं सिंथेसिस यूज़ करता हूँ। टेस्टी लगता है? बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे पानी में वही प्रोटीन सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा, प्रोटीन ले लिया फिर? हाँ, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करने के लिए जिम जाता हूँ, फिर अमीनो यूज क्या। ट्रेनिंग क्या करते हो जो प्रैक्टिस करते हो? ट्रेनिंग कैसी होती है? सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट? डबल बॉडी पार्ट। डबल बॉडी पार्ट, कितने सेट? 4 सेट? 6? 4 सेट। 4 सेट। 4 सेट। कितनी एक्सरसाइज है? 4 से 6 एक्सरसाइज? 4 से 6 एक्सरसाइज होती है। डबल बॉडी पार्ट? डबल बॉडी पार्ट। हफ्ते में कितने दिन ट्रेनिंग करते हो? पूरा हफ्ता, 7 डेज। तो वैसे भी पूरा साल भी तुम 7 डेज ट्रेनिंग करते हो? ऑफ भी जाते हो? नहीं, संडे का ऑफ रहते हैं वैसे। तो मतलब पूरा साल ऐसे तैयारी नहीं करते, ऑफ सीजन भी चले जाते हो जब बिल्कुल डाइट बिल्कुल छोड़ देते हो, सब कुछ छोड़ देते हो, क्या मैं सब कुछ खाऊंगा? ऐसा होता है? होता है। जैसे डायमंड कप के बाद मैं रेस्ट पर आऊँगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो मेरे फेवरेट है वो खाऊँगा। अच्छा, फिर ट्रेनिंग के बाद फिर क्या खाना है? फिर प्रोटीन? फिर प्रोटीन नहीं खाना, फिर मेरे को अच्छे से खाना है, जैसे पिज्ज़ा खाना है, मैंने पहले से सोच रखा है। तो ये बॉडी बिल्डर की सोच होती है कि भाई मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, अब मुझे ये चीज़ें खानी है, लिस्ट बना रखी होगी। तो हम आप बात कर रहे थे कि तुम्हारी डेली डाइट की, तुमने फिर प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस के बाद क्या खाते हो? प्रोटीन शेक, फिर चिकन? प्रोटीन शेक के बाद फिर मैं एग लेता हूँ, 7 से 8 एग लेता हूँ। फिर उसके बाद अपना जैसे जिम पे ट्रेनिंग वेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराने के बाद फिर 2 से 2.5 घंटे बाद फिर आधे किलो चिकन लेता हूँ। अच्छा, आधा किलो चिकन? बॉइल्ड चिकन? कैसे? बॉइल्ड चिकन। तुम बॉइल्ड चिकन खाते हो? बॉइल्ड चिकन खाते हैं। कुछ डालते नहीं उसके साथ? फिर चपाती वगैरह लेते हैं हम,
रोटी खाते हो? हाँ रोटी खाते हैं। कितनी? मैं एक बारी में 4 चपाती लेता हूँ। घी भी लगा हुआ? नहीं 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 घी नहीं लगा हुआ। अच्छा चपाती का साइज़ क्या होता है? चपाती का साइज़ होता है चपाती। अच्छा उसमें प्लस हम पोटैटो भी ऐड करते हैं, मतलब चपाती कंपटीशन के टाइम की रोटी है। क्योंकि लड़के तो रोटी वोटी बन, बट अगेन बट ये विनय विनय कुछ भी कर सकते हैं। मेरी जो चपाती है उसमें आलू भी ऐड होता है। आलू का पराठा होता है। पराठे की जगह ऑयल हटा दो, सिर्फ वो आलू की रोटी बन जाती है। आलू की रोटी चलती है 4 रोज आलू की रोटी। मेरी टोटल रोटियां 12 होती हैं। अच्छा तो ये हो गई डाइट की बात, और सप्लीमेंट क्या क्या चलते हैं? सप्लीमेंट्स में जैसे प्रोटीन हो गया, VC हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, और इनके साथ बस ये चीज़ें यूज़ करते ज़्यादा ये चीज़ें। तो क्या ना विनय, मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसको लेके, बिकॉज तुम्हारा कंपटीशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मैं एनाबॉलिक्स को लेके सबके बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसके बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है, और जितना और ये ऐसी चीज़ें खत्म भी नहीं होगा इसका, तो मेरे ख्याल से जितने मर्जी वीडियो बनाने कम ही पड़ेगा। बट तुम्हें भी ये लगता है कि ये बॉडी बिल्डिंग का एक सच है, उन्हें मतलब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है सबको? आई थिंक मेरे को मानता हूँ जो इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बॉडी की कैपेसिटी होती है कि वो वहाँ तक ही, आप कितना भी हार्डवर्क करो वो उससे ऊपर नहीं जाएगा, बट उसको उस तरफ ले जाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ। दूसरा ये तो होगी ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन, डाइट। तो इतने लेवल पे आके भी नहीं, इतने साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए, तो रोजी रोटी का जरिया क्या है? मतलब ट्रेनिंग में, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में तो ज़्यादा पैसा मिलता नहीं होगा, मिलता नहीं। तो कैसे पैसा कमाते हो, किस तरीके का सोर्स ऑफ इनकम क्या है बॉडी बिल्डर का, तुम्हारा क्या इनकम? मैं बस सर के साथ ही रहता हूँ, उनका जिम ही संभालता हूँ, उनके साथ ही जैसे लड़के आते हैं उनको ट्रेनिंग कराता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग के थ्रू अपना खर्चा निकल जाता हूँ। सो दैट्स व्हाट, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गाइस, वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ द कंट्री विनय, मेरे ख्याल से इंडिया का टॉप नॉच बॉडी बिल्डर्स में एक है। ही ट्रेन्स पीपल टू मेक अ लिविंग, विच इज़ ओके, बट मैं ये चाहता हूँ जो वीडियो को देख रहे हैं कोई भी, बिकॉज आई हैव सम इंटरनेशनल ऑडियंस टू, पीपल लाइक विनय, इनको एक स्पॉन्सरशिप की, इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इन सबको ज़रूरत होती है। बिकॉज महीने का खर्चा कितना होता होगा तुम्हारा विनय, जब तैयारी करते हो? तो महीने का खर्चा अगर हम करें तो 25 से 30 हज़ार आराम से आ जाता है। इसमें 30 से 50, मैं तो कहूँगा 50 तक भी आ जाता होगा। आ जाता है, लास्ट टाइम प्रोटीन ज़्यादा चलता है, ज़्यादा चलता है। तो इतना खर्चे होने के बाद एंड यू नो, हम बात करते हैं एक तरफ कि हम ओलंपिया में कैसे जाएंगे, वो कैसे करेंगे, जेनेटिक्स मैं समझता हूँ, बट एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आई थिंक विनय हैज़ एवरीथिंग, इनके पास हाइट है, इनके पास जेनेटिक्स है, इनके पास लगन है, इनके पास एक हम्बल बैकग्राउंड है कि जेनेटिक नहीं है। अच्छा देखोगे आप 10 साल पहले के, देखा मैंने, बताया मुझे विनय ने उस चीज़ पर, उन्होंने बनाया, बताया मुझे उसको बनाने के लिए, मैं हर महीने मेहनत करी है उस चीज़ को बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू नो मैं इसीलिए तो साथ में वरुण है जो पीछे से टिप्पणी करे जा रहा है, इनपुट्स दिए जा रहा है मुझे, पीछे से गुड थिंग। सो बट मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, पीपल आर वॉचिंग दिस, लेट्स सपोर्ट विनय, विनय को सपोर्ट करें। विनय स्टार्टिंग विद इनका जो चैंपियनशिप होने वाली 11-12 को, जो डायमंड कप मुंबई में होने वाला है, आई थिंक विनय शुड विन, 38 कंट्रीज आ रही है वहाँ पे, तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग ग्राउंड होगा। मेरे ख्याल से प्राइज मनी भी अच्छा होगा वहाँ पे, प्राइज मनी भी होगा, कुछ भी होगा। सो द आइडिया इज टू सपोर्ट एज मेनी एथलीट्स है वो। बच्चों के बारे में बताओ, फैमिली के बारे में बताओ कुछ। फैमिली में मेरी मदर है, मेरा बड़ा भाई है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे साथ, उन्होंने मेरे को भी कभी काम के लिए नहीं बोला। उनका वीरेंद्र नाम है। अच्छा, वो बहुत अलग पर्सन है। भाई तुम्हें भाई भी मिल गए, भाई तो थे और फादर तुम्हें भगवान ने एक भेज दिया। एक बड़े भाई ने मेरे को आज तक भी वो यूँ नहीं कहते कि तुम किसी चीज़ की टेंशन, तुम अपना करो जो कर रहे हो। हाँ, वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता था, मेरे को ला के देता था। सर यार, ये फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, स्पेशली इन दिस प्रोफेशन, इन दिस लाइन ऑफ वर्क। बट विनय, एनीथिंग आई कुड डू, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई नो माय व्यूअर्स, पीपल हु आर वॉचिंग यू, कि तुम्हें जितना हो सके सपोर्ट मिले। तुम बहुत पॉपुलर हो, पॉपुलैरिटी से क्या होता है ना, जितना लोग तुम्हें जानेंगे, कंपनीज उतनी आगे आएंगी, यू नो दे विल स्पॉन्सर यू, दे विल प्रमोट यू। सो गाइस, विनय अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ही हैज़ एवरीथिंग, ही इज़ अ कम्प्लीट पैकेज। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको मैं आपको मिलाता रहूँगा, जो भी जिनके पास भी एक मेरे ख्याल से एक कमी होगी किसी चीज़ की, कि एक बैकग्राउंड ऐसी हुई कि वो अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर पाते। दैट्स व्हाट आई डू, व्हाट आई डू, कि मैं इसीलिए इंटरव्यू सीरीज़ करता हूँ ताकि वो इंटरव्यू पे आए, लोग उन्हें देखें, स्पॉन्सरशिप मिले, वो लोग जुड़ें। जैसे IFL के साथ जो हमने कई लोगों के इंटरव्यू करे, जो लोग TV पे आए, कईयों को स्पॉन्सरशिप्स मिल गई, TV पे दिखे वो, सिमिलरली दैट्स व्हाट आई डू। बट ये YouTube का प्लेटफॉर्म है। बट विनय, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं कुछ घर के शॉट्स डालूंगा यहाँ पे विनय के, तुम देखना, इट्स वेरी हार्ट टचिंग। बट विनय, जहाँ से तुम आए हो, जहाँ पे तुम हो,
इतनी प्राउड मोमेंट है, तुम्हें भी बहुत लगता होगा ना कि यार कि कुछ तो करा है मैंने लाइफ में। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब मैं जीत कर आता हूँ तो जहाँ पर मैं रहता हूँ तो वहाँ पे सारे लोग वेलकम के लिए तैयार हैं, उनको भी इंतजार रहता है कि ये जाएगा और ये जीत के आएगा। बिल्कुल विनय, और हम सारे प्रे करेंगे कि यू नो यू डू वेल, नॉट जस्ट फॉर द कंट्री, फॉर योर सेल्फ। इतनी बार सर आशा जुड़ी हुई है एंड यू डू एक्सट्रीमली, यू मेक ऑल ऑफ अस प्राउड गाइस। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। सो विनय, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू भाई, अच्छा लगा बात करके। डू लेट मी नो हाउ यू लाइक विनय। विनय की स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी, मैं आपको मिलाता रहूँगा पीपल लाइक विनय जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा करें बॉडी बिल्डिंग में इंडिया के लिए। बट फॉर नाउ आशा, सी यू सून।